क्या जादू कर दिया सराफा ने तुम पर नफीसुद्दीन, जो तुम इतने दीवाने हो गए। माफी मांगो रक्षंदा से। जरा भी फिक्र नहीं है, रात के वक्त यहां से गई है, बेटियों का साथ है। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था, वो खुद गई है और उसके नतीजे भी खुद ही भुगतेगी। मगर आप जानते तो हैं कि वो कितनी गुस्से वाली है, आप ही खामोश हो जाते। मैं आज तक खामोशी था आतिया, और इस खामोशी में मेरा सब कुछ टूट गया। पिछली बातों को क्या दोहराना, माफ कर दीजिए। मैं ये बातें इसलिए दोहरा रहा हूं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। बगैर एहसास दिलाए अगर उन्हें माफ कर दिया तो फिर वो गलती नहीं गुनाह बन जाता है। लेकिन इस तरह तो हमारे घर में हर वक्त लड़ाई रहेगी, कभी आप नाराज रहेंगे तो कभी वो हमसे नाराज हो जाएंगे। मैंने सब सोच लिया था, अब मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। इस घर में मेरा राज होगा, ना मैं शोर करूंगा और ना ही किसी को जलील। आपा जान आपका कहा मान लेंगे, इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं। मगर मुझे बहुत डर लग रहा है, वो तो यही समझेंगी ना कि ये सब मैंने करवाया। वो तो पहले ही बहुत खफा है मुझसे, आज फिर उन्होंने मुझे बहुत जलील किया। देख आतिया, जो हुआ वो आखिरी बार था, मुझ पर भरोसा रखो। आज तक मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर पाया, लेकिन अब जरूर करूंगा। क्या बात है भाई, आजकल बड़ी खिदमतें हो रही है बेगम साहिबा की। इतनी खिदमत कभी अपनी बहनों की भी कर ली होती। ऐसी कौन सी खिदमत कर ली भाई, सारा दिन तो मैं क्लिनिक में होता हूँ। ना ना भाई, अब तो उसकी बात में भी वजन दिखता है, तो मैं काम का भी एहसास होता है। और मैंने जो अपनी सारी जिंदगी की खुशियां लौटा दी शादी नहीं की, वो नजर नहीं आता तुम्हें। आपा जान, आज तक आपने जो भी फैसले लिए आपके अपने थे। आपने शादी इसलिए नहीं की कि आपको जीवन साथी नहीं मिला। आपकी तन्हाई की कीमत मैंने और मेरे बेटे ने चुकाई। मेरे बेटे ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी एक अदद बीवी है और फैमिली है, और आप दोनों बहनों ने तो मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरा दुनिया में वाहिद रिश्ता आप दोनों से है और आप दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। हाँ तो हम नहीं है तुम्हारी जिम्मेदारी, क्या नहीं है तुम्हारे अपने? ये पराई औरत, इसका आवारा बेटा, ये सगे हो गए अब तुम्हारे। आपा जान, अतिया पराई औरत नहीं है, वो मेरी बीवी है और मेरे फराइज में शामिल है। और जहां तक जहांगीर की बात है, मैं उसके खिलाफ कोई लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मेरा बेटा मेरी जिंदगी भर की पूंजी है, मैं उसे लुटाकर बुढ़ापे में तन्हा नहीं होना चाहता। ये क्या बेटा 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 लगा रखे तेरे नफीसुद्दीन? बालिश भर का लड़का हमारे मुकाबले में खड़ा होगा क्या? अब
और जिस बेटे को तू अपने बढ़ापे का सहारा समझ रहा है ना, इससे से बेटे ही माँ बाप को बढ़ापे में सड़क पे लाकर बिठा देते हैं। और तेरा बेटा तेरे साथ यही कर रहा है जो तू कर रहा है ना हमारे साथ। दोनों हाथों से लौटाएगा तेरा ये बेटा तुझे, दोनों हाथों से। पापा जान, आज तक जो मैंने अपने बेटे के साथ किया है उसे वाकई मेरे साथ ऐसे सलूक करना चाहिए, लेकिन अब मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। आपको मुझसे क्या शिकायत? मैं अपनी जिंदगी अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशी से गुजारना चाहता हूँ, आपको प्रॉब्लम क्या है? कल तक बेटा और बीवी तो तुझे जहर लगते थे और आज इनकी खातिर तो हमारे खून का प्यासा हो गया। सही है ना, फिर सुरही पाउडर ने आखिर रिश्तों को धुंधला दिया। 2 दिन तेरी बीवी क्या सच दज ली, तू तो अपना खून ही भूल गया मेरे भाई। आप पति और जहांगीर का जिक्र क्यों कर रही है? उनका इन बातों से क्या लेना देना, वो तो पहले ही गुलामों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ जादू टूना तो नहीं हो गया तुझ पर नफीस? अरे अब तक तो तुम इसको तलाक देने पे और दूसरी शादी करने के लिए तो ले रहे थे, ये अचानक से तुम यातिया कैसे भाग गई? अपाजान मुझे एहसास हो गया कि मुझ समेत सारे लोग ज्यादती पर थे। आप और रक्षंदा उसे बीवी बनाकर लाई, मैंने उसे कबूल कर लिया, तो अब किस बात का ताना देती है? आपकी चाय। खोल दिया तावीज चाय में। ये ऐसा कौन सा तावीज है कि हमारे भाई को तेरी शान में पूरी पूरी तकरीरें याद हो गई? कोई भी नहीं आपा जान, ऐसे ही बात है, सब पता है मुझे। अतिया, इन्हें समझना फजूल है, तुम चाय ले जाओ, मैं नहीं पीऊं, जाओ। और आपा जान एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। ओहो, तुमने तो कहा था कि मैं नहीं आऊंगी। आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मेरी एक बहन भी रहती है यहाँ, मेरा भाई तो अब रहा ही नहीं। हाँ, जमजम आ गई, देखती हो कौन रोकता है तुझे, आजा। और आपा, लानत पड़े सत्या पे, भाई छीन लिया हमारा इसने, देख लेना एक दिन इसकी बहू आकर इसका यही हशर करेगी, ये तरसेगी अपनी बेटे की शक्ल को। है मैंने अपने सारे जवानी लुटा दी इस घर के। अरे क्षंदा, मुझे पता होता ना तो मैं कब की शादी करके यहाँ से चली जाती। अरे हमारा भाई अपने ही खून का दुश्मन हो गया, क्षंदा क्या करूँगी अब मैं? अरे तू तो अपने घर की हो गई है, मेरा क्या होगा? मुझे अपनी हुक्मरानी खत्म होती नजर आ रही है, अरे क्षंदा मैं क्या करूँ? संभालें अपने आप को आपा। क्या संभालू, कम्बख्त को गोदों में खिलाया इसको मैंने, इसी के लिए आज अपनी बीवी का हो गया। तावीज़ करती है ये रक्षंदा, तू मान ले। मुझे डर लगता है, उन लोगों का नाम कहीं ताबिंदा आपा रक्षंदा तो नहीं? ये मेरा दिल मेरा दीवानापन। हमारे दरमियान जो दूरी 20 साल से थी, तुम्हारी वजह से 20 मिनट में खत्म हो गई। काश ये सब बहुत पहले हो जाता, देर आए दुरुस्त आए।
मेरे घर में आज तक जो इतने अरसे से हो रहा था वो तो सब कुछ अचानक ही बदल गया। आज सुबह वो किचन में मेरी मदद कर रहे थे तो आपा जान ने जब कुछ कहा तो उन्होंने आपा जान को भी खामोश करवा दिया। तो आपने डॉक्टर साहब का दिल जीत ही लिया। मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन इतना बेहतरीन होगा ऐसा नहीं सोचा था। आप यूं ही खुश रहे डॉक्टर साहब के साथ। लेकिन माता, मुझे डर लगता है। क्या, किससे? अपने इर्द गिर्द के लोगों से। उन लोगों का नाम कहीं ताबिंदा आपा रक्षिंदा तो नहीं? जब डॉक्टर साहब आपके साथ हैं तो आपको इन लोगों से डरने की क्या जरूरत है? लोगों से नहीं बल्कि उनकी नजरों से डर लगता है। पता नहीं कैसी नजरों से देखें। रिश्ते अगर मजबूत हो तो बुरी नजर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अगर कमजोर हो तो कोई चाहे कितनी भी तारीफ कर ले टूट ही जाते हैं। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। खामखा में तुम्हें अफसरदा कर दिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो और खुश हूँ आपकी वजह से। आप खुश हैं, डॉक्टर साहब खुश हैं, जहांगीर भी खुश है। मुझे और क्या चाहिए? जहांगीर की खुशी का तो तुम बस पूछो ही मत। वो तो ऐसा खुश है कि बस उसका बस चले तो मुझे और उन्हें फूलों में ही तोल दे। मेहताब, तुम्हारा एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे इस एहसान ने तो मुझे जिंदगी भर के लिए मखरूज कर लिया। एहसान तो आप लोगों ने किया है मुझ पे, मैं तो बस उसे चुकाने की कोशिश कर रही हूँ। जहांगीर से कहिएगा कि शाम को आ जाए पढ़ने के लिए। हाँ, मैं उससे कह दूंगी। तुम बस उसको किसी तरह पास करवाओ। ये डील तो पहले हो चुकी है। अच्छा, असल फसाद की जड़ ही और था। मेहताब तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। घर के छत्ते में हाथ डालेगी तो सर से छत भी जाएगी और हाथ भी। मैं चलती हूँ। टके का आदमी। सारी जिंदगी इसकी और इसकी माँ ने हमारे घर से भिखारियों की तरह भीख लेते हैं और आज इसके इतने पर निकल। अम्मी मरहुमा ने सोने की ताज की तरह तुम्हें इसके हवाले किया था और इसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। ऐसा कौन सी इसकी मां आसमान से उतरी थी जो उसका नाम लेने पर इसको इतनी गैरत आ गई? और अगर इतना गैरतमंद था
तो फिर तुम्हारी जहेज की रकम क्यों बटोरता फिरता था अब्बा मरहूम से? और एक तो मुझे तुम पर गुस्सा, तुम पर मुझे बहुत अफसोस है। तुमने सहा क्यों उसकी हरकत को? मुंह तोड़कर उसके हाथ में क्यों नहीं रख कर आई? दो चार लगा कर आती ना उसे। आपा, कहीं हमारा बुरा वक्त तो नहीं शुरू होता? नहीं, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। कौन? ये मेरा दीवानापन, मेरा दीवानापन। अतिया, जल्दी से तैयार हो जा, हम तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। तीनों कौन? अरे तुम, मैं, जहांगीर। अब मजीद सवाल मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। और ये कहाँ लेके जा रही हो? किचन तो छोड़ा हूँ। अरे यही रहने दो ना, रक्षंदा है, ले जाएगी। ले जाएगी तो आपका खाना कौन बनाएगा? वो अब हम बाहर से ले आएंगे। मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं। ये आपका मसला है, या फिर आप घर में कुछ बना लीजिएगा। रक्षंदा है, वो आपकी मदद कर देगी। अब मैं क्या रक्षंदा से काम करवाऊंगी? ये मेहमान है इस घर में। अरे मेहमान कहाँ है, ये तो रोज आती है। जहांगीर इधर आओ, जल्दी से तैयार हो, हम फिल्म देखने जा रहे हैं। नहीं, आप लोग जाए, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसे कौन सी पढ़ाई है भाई, क्या फर्क पड़ेगा? और कौन सा हम लोग रोज रोज बाहर जाते हैं। नहीं, आप लोग जाएं, मैं अगर नहीं पढ़ने गया तो मेहताब नाराज हो जाएंगी। वैसे भी उनको पढ़ाने के लिए इतनी मुश्किल से मनाया है। आप लोग जाएं और अम्मी को खूब इंजॉय करवाइएगा। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ठीक, ओके, आओ। ठीक, अब तो बाप के हुक्म से ज्यादा पढ़ाई से। शर्म तो बिल्कुल भी ना आई बहनों की, बड़े हाथों में हाथ डाल के निकले। शर्म का परिंदा जोड़ गया इस घर से। किताब पसंद आई? जी, ये तो सारी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो तुम कोई भी दो किताबें ले जाओ, पढ़ के मुझे वापस कर दे। नहीं नहीं, इन्हें यहीं पे रहने दे, ये तो समझ ही नहीं आती। अरे अभी तो कह रहे थे सारी अच्छी हैं। तुम इसलिए कह रहा था क्योंकि आपके पास हैं तो अच्छी ही होंगी। अच्छा, तो खाना खाओ। आज डॉक्टर साहब और अतिया और पहली बार एक साथ बाहर गए हैं, है ना? जी। कभी इतनी देर लगा दी, अभी तक नहीं आए वापस। ये सब तो आपकी मेहरबानी। हम पराठे कितने अच्छे बनाती हैं, इतने मजे के हैं। तुम तो मेरी हर चीज की ऐसे ही तारीफ कर देती हो, पता नहीं सच होती भी है या झूठ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल झूठी तारीफ नहीं करता, बिल्कुल सच्ची तारीफ करता हूँ आपकी। चलो मान लिया, अब जल्दी से खाना खा लो वरना तुम्हारी भूखी की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी और डांट मुझे सुनने को मिलेगी। मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। कौन? अब तुम बैठो, खाना खाओ, मैं देखती हूँ।
मीना तुम आओ। मीना तुम्हें तमीज नहीं है, बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी क्या? जहांगीर किस तरह से बात कर रहे हो, हमारी छोटी बहन है। ये कोई छोटी नहीं है, बहुत तेज है ये। क्या खाओगी तुम? मैं तो सिर्फ आप लोगों की बातें सुन रही हूँ, बड़ी खाला और अम्मी ऊपर कमरे में बात कर रहे, आने नहीं दे रहे, जेबा तो सो गई है। तो हम क्या करें? सुबह आप कह रहे थे हमारा भाई। तुमने मुझे फिर हमारा कहा? तो और क्या कहूँ, सब तो आपको यही कहते हैं। ना तुम जहांगीर भाई को जहांगीर भाई कहा करो। पर इन्हें तो सब आवारा कहते हैं। पर इनका नाम तो जहांगीर है ना, तो इन्हें सब आवारा क्यों कहते हैं? मैं कह रहा हूँ आपको इसको मुंह ना लगाएं, ये सवाल पे सवाल करके ना आपका दिमाग खराब कर देगी। हाँ क्यों मीना, तुम दिमाग खराब करोगी? मैं तो कोई दिमाग खराब नहीं करती। दिमाग कहाँ है? यहाँ। आपका दिमाग कितना गोरा है, मेरा थोड़ा सा गोरा है ना वाला भाई। क्वास बंद करो तुम। जहांगीर बिना वजह मीना पे गुस्से हो रहे, इतना बात नहीं करती। तुम बैठो आराम से। नहीं नहीं इसे इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। मीना चलो तुम जाओ वापस ऊपर जाओ। पर अभी तो मैं ऊपर से नीचे आई हूँ। तो फिर से चली जाओ ऊपर जाओ। अम्मी दोबारा मुझे नीचे ना भेज दे। नहीं कुछ नहीं कहेंगी वो, तुम जाओ बस जाओ वापस। अब नहीं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ कहाँ? हाँ बैठ जाओ। अब बैठ जाओ। ऊपर बैठो या नीचे? अरे बाबा ऊपर बैठ जाओ। फिर आप कहाँ बैठेंगी? मैं कहीं भी बैठ जाऊंगी। यहाँ कहाँ बैठेंगी आप? यहाँ बैठ। कहा था मैंने आप मत बैठाए से, यहाँ भुगते हैं आप। भुगते मतलब? भुगते मतलब कि तुम एक सजा हो। पर मैं तो मीना हूं। ये कुर्सी आपको किसने दी? ये मेरे अब्बा की। आपके अब्बा कहाँ हैं? तुम बकवास बंद करके। मैं झूला तो झूलू ना। हाँ हाँ झूलो। तो तुम क्या कह रहे थे जानी? लड़की के होते हुए ना खामोशी नहीं हो सकती यहाँ पे। पर मैं तो खामोश हूँ। तुम चुप करती हो तो मैं दूँ एक। एक नहीं दो हमारे भाई। अठा खाओगी? आप पकाएंगी? हाँ अभी बनाएंगी। बिल्कुल। छोटा वाला या बड़ा वाला? जैसे तुम्हें पसंद हो। ठीक है आज ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि मैं आप दोनों को इस तरह एक साथ इतना खुश देख रहा हूँ। ये मेरा दीवानापन। वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये खाना कमरे में रख दो, जहांगीर आएगा तो खा लेगा। ऐसा भी क्या इस थैले में जो सीधा कमरे में ले जाया जा रहा? कुछ शॉपिंग किया? ये शॉपिंग बैग भी कमरे में। आप लोगों ने खाना खा लिया? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे बहनों के लिए बड़े चरगे लेकर आए। नहीं मैंने तो आपसे पूछा था, आपने कहा मैंने नहीं खाना तो मैंने लेके आया। अगर आप कहती तो मैं ले आता।
आप लोग बातें करते। लक्ष्मणदास सोच ले जल्दी कुछ, इस घर में हमारी हुकूमत अब तक गई तो नहीं, लेकिन अब रुकेगी नहीं। अभी तक रखा, इतने इंतजार के बाद मिले। सारी जिंदगी तो आपकी बहनों की उतरनी पहनी, मगर ये वो जोड़े हैं जो ना किसी दर्जी से बिगड़े हैं, ना आपा के टाइट किए हैं, ना ही रक्षंदा के धोबी ने जलाए, किसी के हाथ के भी रद्द नहीं हुए। सिर्फ माँ बाप ही बच्चों को राय रास्त पर लाते, जहांगीर जैसे बच्चे भी अपने माँ बाप को राह रास्ते ले आते। आओ बेटा, हाँ खाना खा लिया? जी अम्मू खा लिया। आज भी सारी शॉपिंग की? ये सब तुम्हारी अब्बू ने दिलवाए। तिरंगा पे कितना अच्छा लगेगा ना, है ना अब्बू? मम्मी अब तो खुश है ना आप? थैंक यू अब्बू, आज आपने मम्मी को बहुत खुश किया। अब तो खुश हो? खुश नहीं, बहुत खुश। मम्मी इधर आए, आइए ना, आइए। अबू आप हैं? क्या हुआ? आए ना। आज ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि मैं आप दोनों को इस तरह एक साथ इतना खुश देख रहा हूं। अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं बाप होना भूल गया। नहीं अबू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, मैंने आपसे बदतमीजी भी की थी। अगर बेटा तुमने मेरी आंखें खोली, बदतमीजी तो मैं तुम्हारी माँ के साथ किया करता था। अब मैं मर भी जाऊंगा ना, मुझे कोई गम नहीं है। कैसी बातें करते हो बेटा, तो इस घर में सिर्फ हंसी की आवाजें आएंगी। अतिया आज हमारा घर मुकम्मल। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन? देख लीजिए आपा जान, आपकी मोहब्बत में सुबह ही सुबह चला आया। हाँ मैं देख रही हूँ तुम्हारी मोहब्बत मुझसे और मेरी बहन से। तू इतना नमक है। देख लीजिए आपा जान अपनी बहन का गुस्सा, खाने तक पे नाराज हो रही है, और आपको तो पता है इनसे तो मैं बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह मोहब्बत करता हूँ। ए मियां झूठ बोलने से ना बुखार हो जाता है। अरे आपा हम तो रक्षिंदा के इश्क के बीमार हैं, हमें बुखार से क्या डर? डरना तो तुम्हें अल्लाह के अजाब से चाहिए, एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी तुमने। अरे आप कब आए? बस अभी आया हूँ, आपके बनाए नाश्ते की खुशबू मेरे घर तक पहुँच गई, मैं दौड़ा चला आया। चलिए अच्छा किया, अब बैठिए और नाश्ता कीजिए। वाह वाह वाह, ये होती है मेहमान नवाजी, कमाल कर दिया आपने।
चलिए अब तारीफें कम कीजिए और अब कुछ खा भी लें। ये प्लेट उठाएं यहाँ से। मैंने आपसे कहा है ये प्लेट उठा लें। अरे रहने देती हैं, मेरी बीवी जरा थोड़ी सी नाराज। आपको समझ नहीं आ रहा, अब मुफ्त की रोटियां यहाँ पे मजीद नहीं तोड़ी जाएंगी। ये किसी के बाप का माल नहीं है। क्या हो गया रक्षिता, रिलैक्स। देखे ना भाईजान, ये ज्यादती नहीं है। मियां बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो हो ही जाते हैं, अब इसका ये मतलब तो नहीं है बीवी बगैर बताए घर छोड़ के आ जाए। हाँ भाई, जहाँ दो बर्तन एक साथ हो वो तो बचते तो हैं। और जब भाईजान बर्तन बच सकते हैं तो कभी कभी मर्द का हाथ भी उठ जाता है। यानी आपने इन्हें मायन, देखे ना, हर बात में मेरी मरहुमा माँ को घसीट लेना कोई अच्छी बात है? हर बात में कहना तुम्हारी माँ वो, तुम्हारी माँ ये कोई अच्छाई तो नहीं है ना। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब जब बर्दाश्त की हद हो गई तो मेरा हाथ भी उठ गया। मैंने माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ये रूठ कर बगैर बताए घर छोड़ के चली आई। लेकिन खैर, हम भी मना लेंगे। अब मानती है मेरी जूती। आपने ठीक किया। आतिया, मैं तैयार होकर क्लिनिक जा रहा हूँ। इस मनोज को भी तो साथ ले जाओ ना, इसी का तो किया कराया है सब, इसी की वजह से तेरा खून से पैदा हो गया। वैसे आपा जान, आप में कोई बड़ों वाली अदा है नहीं। इसमें आतिया बेचारी का क्या कसूर है? सारा कसूर तो आपकी बहन या मेरी माँ का है। तो बकवास बंद कर। तुझे किस बात पे हंसी आ रही है? मैं तो मजे ले रहा हूँ। किनू के कहेंगे क्या? मजे नहीं कर रहा, बेहूदगी कर रहा तू, बेहूदगी। कई साल हो गए तुम्हें दौड़ दौड़ के मेरे कमरे की तरफ आते हुए, अब तो तुम्हारे कदमों की आहट ही तुम्हारी पहचान। हटे हटे हटे, मैं सही कर। आपको घिन नहीं आती है ये भाई और उनकी बेगम के चोचले देखते हुए? तौबा, ये सारे ड्रामे मुझसे एक वक्त बर्दाश्त नहीं होते। हर कोई आपकी तरह खुशनसीब तो हो नहीं सकता, जिसे अतिया जैसी साबिर औरत नसीब हो। ATV सारे